आज जम्मू यूनिवर्सिटी में 5 सितंबर को होने वाले फाउंडेशन डे के अंतर्गत एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उपस्थित रहे और मेरे मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का मौका मिला। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से, कर्मचारी, अध्यापक, छात्र सबकी तरफ से, क्योंकि ये आज ये जो फाउंडेशन डे है वो 5 सितंबर को मनने जा रहा है और पहली बार जम्मू यूनिवर्सिटी अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रही है। 5 सितंबर 1969 विद द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर, द यूनिवर्सिटी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1969 ऑन डेटेड सितंबर 5। द आइडिया ऑफ होल्डिंग दिस फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन इज to bring all the stakeholders together to work together for the benefit of the institution. If you have any questions, so I would be happy to address that. हिंदी में बोलेंगे तो सर? हिंदी में ही हम बोल रहे हैं। और मुझे जम्मू यूनिवर्सिटी को वो ज़्यादा मतलब क्या पाइपलाइन में ऐसे नए डिपार्टमेंट्स हैं जो आप खोलने जा रहे हैं, आप उससे अवगत करवाएंगे? आपका अच्छा प्रश्न है। मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि पहली चीज की फाउंडेशन डे क्यों, उसके बाद हम आते हैं। और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई 1969, 53 साल बीत गए, आज तक विश्वविद्यालय अपना फाउंडेशन डे नहीं मनाया। हर जनरेशन को अपना इतिहास लिखना चाहिए और इतिहास लिखते समय यह उसको ज्ञात होगा कि हमारी क्या क्या अच्छाइयाँ रही हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियाँ हैं और जिनको कि हमको एड्रेस करना है। फाउंडेशन डे मनाने के पीछे एक उद्देश्य है अपनी ग्लोबल विजिबिलिटी को बढ़ाना और यूनिवर्सिटी के बारे में जो परसेप्शन है वो बेटर करना। ये दो चीज़ें हैं आज इस के कारण हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आपने जो कहा कि नए डिपार्टमेंट्स खोलने की जरूरत, मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट्स खुले हैं गुणवत्ता के साथ, वह बच्चों के को शिक्षा दे सकें, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए रादर देन कि अलग से नए डिपार्टमेंट खोले जाएं। और वो प्रश्न क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस पर फोकस करती है? फोकस करती है एजुकेशन इन ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड, मीन्स डिजॉल्विंग बाउंड्री, इवॉल्विंग एजुकेशन, जो विभिन्न विभाग अपनी बाउंड्री या विभिन्न विषय अपनी बाउंड्री बना करके रखे हुए हैं उनको डिजॉल्व करना और तभी शिक्षा जो है आगे आएगी। अब मैं उदाहरण के तौर पर दूंगा कि शायद आपको समझने में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। मेरा विभाग है, विषय है जूलॉजी। जूलॉजी में एक स्पेशलाइजेशन है फिशरी। फिशरी ये बताएं कि सिर्फ मछली के बारे में पढ़ाना है या जो किसान मत्स्य पालन में है उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसकी जितनी लागत है उतना उत्पादन के साथ मूल्य मिल रहा है क्या, उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, मछली की प्रोसेसिंग कैसे की जाए, मछली को एक्सपोर्ट कैसे किया जाए, उसकी पैकेजिंग कैसे की जाए। अगर फिशरी में कॉमर्स, फिशरी में आईटी, फिशरी में मार्केटिंग, फिशरी में टेक्नोलॉजी, अगर ये बाउंड्री को तोड़ दें कि सिर्फ ज्वालजी के लोग ही फिशरी पढ़ाएंगे, इस बाउंड्री को अगर हम तोड़ दें और उस फिशरी में कॉमर्स के लोग भी, मार्केटिंग के लोग भी, इकोनॉमिक्स के लोग भी, टेक्नोलॉजी के लोग भी अपना योगदान करेंगे तो मुझे लगता है कि फिशरी एक बेटर सेंस में डिलीवर की जा सकती है। तो इसलिए मेरा कहना था कि नए विभाग की जरूरत कम है,
विभागों की बाउंड्री तोड़ करके एक साथ उनको लाने की ज्यादा जरूरत है, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डिमांड है। सर इसके साथ साथ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस है स्पोर्ट्स टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ यूथ, कुछ स्पेसिफिक आप इसके लिए कदम उठा रहे हैं? जी, और ठीक प्रश्न है आपका। न केवल स्पोर्ट्स, एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, ये शिक्षा के उतने ही सशक्त माध्यम। शिक्षा सिर्फ चार दीवारियों में कैद नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। इसको लेकर के एकेडमिक काउंसिल ने जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कुछ महीने पहले अभी हुई थी, उस एकेडमिक काउंसिल में हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है कि एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज को क्रेडिट्स दी जाएगी। न केवल क्रेडिट्स दी जाएगी बल्कि अगर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लेवल का प्लेयर है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो उसको एडिशनल मार्क्स भी दिए जाएंगे, क्योंकि उसका एक मेजर समय स्पोर्ट्स पर गया है, तो वो भी शिक्षा का उतना ही सशक्त माध्यम है, इसलिए उसको एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। क्या परसेंटेज होगा इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है, जो कि जल्दी से जल्दी उस पर काम करके लेके आ जाएगी। और उसको हमने अंडर ग्रेजुएट का जो अभी कॉलेजेस में लगाने जा रहा है, हम ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं। सर इसके साथ साथ हमेशा से एक जो स्टूडेंट तबका एक ऐसा भी है जो पोरस क्लास से आता है, तो फीस को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट्स में, क्या उस विवाद को कम करने के लिए या फीस को कम करने के लिए कुछ आपकी तरफ से है कोशिश? एक तो हमको लगता है कि नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो DSW साहब बता सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी दे रही है, लेकिन अभी एलुमनाई एसोसिएशन हमारा बना है और एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू फंड रेजिंग का काम हम शुरू कर रहे हैं, और जो फंड रेजिंग की जाएगी उसमें से स्कॉलरशिप देना एक प्रमुख चीज होगी। ये हमारे ऑलरेडी प्रोग्राम में एलुमनाई एसोसिएशन के है। ये अभी जो आपका फाउंडेशन डे है उसमें क्या क्या हाइलाइट्स रहने वाली हैं? आर यू गोइंग टू सेलिब्रेट इन बिग वे यूनिवर्सिटी जम्मू? जी, मुख्य अतिथि हमारे चांसलर साहब हैं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, और विशिष्ट अतिथि हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, फार्मर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, करंटली वो चांसलर के आर मंगलम यूनिवर्सिटी के हैं, वो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। विश्वविद्यालय के अन्य तबके से जो हमारे अध्यापक, कर्मचारी, छात्र, सभी लोग मौजूद रहेंगे। हम उसमें जो विश्वविद्यालय में, चाहे वो हमारे माली रहे हों, चौकीदार रहे हों, ऑफिसर रहे हों या अध्यापक रहे हों, जिनकी सेवा रिमार्केबल, कमेंडेबल रही है, उनको हम सम्मानित करने का भी काम इस फाउंडेशन डे के दिन करने जा रहे हैं। और साथ में निश्चित तौर पर कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होंगी, और वो कल्चरल एक्टिविटी लार्जली वुड बी परफॉर्म बाय आवर स्टूडेंट। बताना एक और हम डॉक्टर बताएंगे जो संविधान का जो दोहरी अनुवाद है वो हमारे यहाँ पर जो लेखकों ने किया हुआ है, उसका जो दिन हम विमोचन करेंगे, उसका जो संविधान, भारतीय संविधान का अनुवाद डोगरी भाषा में, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी जोर रहता है कि अपनी रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा दीजिए। उस रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो रजिस्ट्रार साहब प्रोफेसर अरविंद जसरोटिया जी हैं और उनकी एक टीम उसको जो है अनुवाद की है डोगरी भाषा में, और उसका भी लोकार्पण माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथों से होगा। सर एक चीज होती कि काफी सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी हिंदी में पेशा भी शुरू करने जा रहा है, लेकिन उस पे अभी तक काम शुरू हो नहीं पाया, वो क्या कारण है, क्यों रहता है? जम्मू विश्वविद्यालय के लेवल पर वह काम रुका नहीं है। जम्मू विश्वविद्यालय ने अपनी निवेदन और अपनी तरफ से प्रयास भेजा हुआ है
उम्मीद करिए कि शायद 2022 में हमको वो मिल जाए परमिशन जम्मू विश्वविद्यालय को डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी शुरू करने के लिए। हम लोग होपफुल हैं कि 2022 में ही मुझे मिल जाएगा।